हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। और ये न्यूज़ जो होने वाली है अडानी से रिलेटिव होने वाली है। तो देखेंगे, देखिए अडानी एक कंपनी को ख़रीदने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं कौन सी ये कंपनी है। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। और देखिए जो कंपनी है, इसके बारे में देखने से पहले वो कंपनियाँ देख लेते हैं जो पहले कंपनियाँ अडानी ने ख़रीदी थी। क्योंकि देखिए अडानी, जैसे ही अडानी का नाम आता है तो शेयर कंपनी के हमें भागते हुए दिखाई देते हैं किसी भी कंपनी के। तो पिछली जो कंपनियां हैं वो देख लेते हैं कैसा परफॉर्म कर रही हैं जो इन्होंने ख़रीदी हैं। अभी आज के टाइम में ये बहुत सी कंपनियों को एक्वायर कर रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, देखिए। तो देखिए पहली कंपनी हम देखते हैं ACC सीमेंट। जैसे ही अडानी ने इसको लेने की बात आई तो ये शेयर हमें ऊपर की ओर भागता हुआ दिखाई दिया, रॉकेट बन गया है। दूसरी कंपनी देखिए अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट की अगर बात करें तो जैसे ही अडानी ने इसको ख़रीदने की बात कही और इसको ख़रीदा तो देखिए शेयर आपका रॉकेट बनते हुए हमें दिखाई दिया। तो बहुत बड़ा रिटर्न कंपनी ने दिया है इसने भी। और देखिए हमारी जो तीसरी कंपनी है जो अडानी ने ख़रीदी है, उसका नाम है NDTV। इसको अगर देखें तो जैसे ही इसमें भी आप देखेंगे, जैसे ही अडानी का नाम इसके साथ जुड़ा, ये भी हमें ऊपर की ओर रॉकेट बनते हुए दिखाई दी। तो कोई भी कंपनी है, छोटी से छोटी कंपनी भी अडानी का नाम जैसे ही जुड़ता है वो एकदम से रॉकेट बन जाती है। तो आज जो है वो भी एक छोटी सी कंपनी है जिसको ये ख़रीदने वाले हैं, देखेंगे कौन सी कंपनी है। और देखिए ये नए नए एक्विजिशन करते रहते हैं। तो अभी जो रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट के हिसाब से ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि अडानी इसको ख़रीदेंगे, लेकिन ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल भी हो सकती है क्योंकि अब ये एक्विजिशन में तो लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि जल्दी ऑफिशियल भी हो जाए। लेकिन फिर भी बहुत मिनिमम इसमें आपने इन्वेस्ट करना है, जितना आप अपना लॉस उठा सको अगर बाई चांस ये फेक न्यूज़ निकलती है तो। लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ज़रूर कीजिएगा इसमें। देखिए कंपनी का नाम है PTC इंडिया और 83 रुपये पर अभी ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 83 रुपये का छोटा सा शेयर है और 2464 करोड़ की कंपनी है, मात्र 2464 करोड़ की। बुक वैल्यू वगैरह 168 की है, बुक वैल्यू से आधे पर मिल रहा है। PE सस्ता है, 5 के PE पर। डिविडेंड बहुत अच्छा कंपनी देती है, लगभग 10% का। इसमें जो है सरकार अपनी हिस्सेदारी इसमें बेचने वाली है, तो देख लेते हैं। देखिए सरकार की इसमें कितनी हिस्सेदारी है। देखिए सरकार की जो हिस्सेदारी है वो है 16.22% की, और इसी हिस्सेदारी को सरकार बेचने वाली है। और इसको सबसे बड़ा जो नाम निकल के आ रहा है इसमें वो आ रहा है अडानी का। देखिए बहुत सारे बिडर हैं, वैसे बहुत सारे बिडर हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो नाम है इसमें से जानी तो ये एक को ही है। तो सबसे बड़ा नाम निकल कर रहा है अडानी का कि अडानी इसको लेंगे। और अडानी ने अगर ये ले ली तो वो इसके प्रमोटर्स बन जाएंगे, मेजोरिटी शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं गौतम अडानी PTC में स्टेक खरीदने वाले हैं, और इसमें जो है PTC में NTPC, NHPC, पावर ग्रिड और PFC जो हमारे 4 PSU हैं, इनकी हर किसी की 4% की हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर 16% ये हिस्सेदारी है और इसको जो है अडानी खरीद सकते हैं। तो अगर ये न्यूज़ सही होगी, सच होगी, तो ये 80 रुपये का ये प्राइस जो है कंपनी का, ये हमें 800 रुपये भी जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर ये फेक न्यूज़ हुई तो फिर से ये 80 रुपये आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।